आगामी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां की जा रही हैं और शांति समिति की बैठक भी आयोजित हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा सभी से अपील की गई है कि आगामी त्योहारों को लेकर सभी लोग शांति व्यवस्था कायम रखें और यदि कोई भी परेशानी होती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें। जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी ग्रामवासियों को आमंत्रित किया गया। सभी का ये कहना था कि हमारे गांव में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर हर त्योहार को मनाते हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग करते हैं। शांति समिति की बैठक में पुलिस का कहना था कि कांवड़ यात्रा के साथ ईद के त्योहार को लेकर आज की बैठक आयोजित की गई है जिसमें सभी ग्रामवासियों को बुलाया गया और सभी से अपील की गई कि पिछले वर्षों में जो सहयोग आपके द्वारा मिला है वह सहयोग हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। आज हमारा जो थाना मुंडा पांडा है, यहाँ नवाब सिंह हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं और पुलिस चौकी पर अमित जी हैं और मनोज जी हैं, तो इनके नेतृत्व में आज समस्त क्षेत्रवासी बुलाए गए। जो आने वाली ईद और कांवड़ियों का जो त्यौहार आ रहा है तो आपसी भाईचारा बना रहे। हालांकि हमारे इस मुंडा पांडे क्षेत्र में आज तक चाहे कगरघटा हो, साहू नंगला हो, कट्टई हो, कामरू हो, जगतपुर हो, अक्का रायपुर हो, रफातपुर हो, दलपतपुर हो, खानपुर चमरुआ हो, खानपुर लक्की हो, इन गांवों में कभी भी आज तक कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ जहां कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई भी भाईचारा समाप्ति की तरफ गया हो। किन किन गांवों से लोग आए हैं यहां पर? देखिए, कगरघटा से प्रधान जी आए हैं, साहू नंगला से आए हैं, लक्ष्मीपुर कट्टे के प्रधान जी हैं, अक्का डिलारी के प्रधान जी हैं, अपना खानपुर चमरुआ से यहाँ से प्रधान जी है, एहसान भाई हैं हमारे, दलपतपुर से आजम भाई हैंगे, बंटी हैंगे हमारे दूसरे प्रधान जी यहाँ खड़े हैं। सब जिम्मेदार लोग हमारे क्षेत्र से आए हुए हैं और इनकी पूर्ण जिम्मेदारी बताई गई है कि अपने अपने गांव में अगर कहीं भी कहीं सुई के मात्र लुप्त कोई मामला दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जा, जिससे कि मौके पर जाकर पुलिस उसको यथास्थिति कंट्रोल। आज हमने एक मीटिंग शांति व्यवस्था के लिए, शांति आगामी त्यौहार जो हमारे शांति व्यवस्था के साथ में सही तरीके से निपटाए जाएं और सहकुशल संपन्न कराए जाएं, इस संबंध में आज एक मीटिंग रखी थी चौकी पर। किन किन गांवों से लोगों को बुलाया गया था? सभी गांवों से आए हैं, चमरोवा से भी हैं, चमरोवा से हैं आपके, खानपुर लक्की से हैं, दलपतपुर से हैं आपके, उसके बाद वीरपुर थान से हैं, इसके बाद आगे अगले गाँव साउन नंगला ककरकटा अक्का डिलारी नाजरपुर और अक्का रायपुर, इन सभी गांवों से जो चौकी क्षेत्र के गांव हैं सभी लोग संभ्रांत व्यक्ति यहां पर आज आए हैं और सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है इसमें मीटिंग में शांति व्यवस्था की। ईद की नमाज को लेकर क्या आपने मैसेज दिया है लोगों को? ईद की नमाज के लिए अभी सरकार के जो दिशा निर्देश हैं कि सामूहिक नमाज नहीं होगी, इस संबंध में सभी लोगों को समझाया गया है और उनसे सुझाव भी लिया गया है, इस सामूहिक नमाज के लिए सभी को मना किया गया है। बकरीद की कुर्बानी को लेकर मैसेज देना चाहेंगे आप? ये बताया गया है इसमें कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, विशेष तौर पर जो हमारे हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ा सकती है, एक आक्रामक रूप ले सकती है और कहीं भी बड़ा एक इशू बन सकता है जो भी है विवाद का, जैसे कि कुर्बानी स्थल हैं जो कि परंपरागत तरीके से चलते आ रहे हैं कुर्बानी स्थल, उन पर ही कुर्बानी होगी हमारी। अगर नहीं कोई कुर्बानी स्थल बनाते हैं या परंपरागत तरीके से तोड़कर नहीं कोई चलन चलाते हैं और नया कुर्बानी स्थल बनाते हैं तो उसके लिए मनाइए, वो नहीं होगा। वो सभी लोगों को समझा दिया और उसके 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 बावजूद भी एक जो बात है कि कुर्बानी करने के बाद में एक समस्या बनती है मलबे की। कभी भी कभी क्या होता है कि जो कुर्बानी कर दी और हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उस मलबे को ऐसी जगह पर डाल देते हैं जो हिंदू मुस्लिम आबादी मिक्स क्षेत्र है, वो उस पर फिर वो एक इशू बन जाता है कि वो कभी कभी ये भी हो जाता है कि कुछ हिंदू संगठन के लोग कि ये जी गाय बैल का मीट था और ये यहाँ पर डाल दिया, इन्होंने कुर्बानी जो प्रतिबंधित पशु की है, तो उससे एक विवाद होने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। वो सभी चीज़ को लेकर एक मैसेज दिया गया है इन्हें कि इस तरीके का जो मलबा है उन्हें तुरंत दफना दिया जाए और जो कभी कभी कुर्बानी जैसे घरों में होती है तो नालियों से खून निकलता है, उसमें हिंदू मुस्लिम आबादी होने के कारण वहाँ भी एक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनने की एक कारण बनने के लिए एक खतरा रहता है कि जैसे खून निकल रहा है नालियों में, हिंदू लोग उसका विरोध करने लगेंगे कि भाई ये खून जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है या प्रतिबंधित पशु की है, इस तरीके से भी विवाद हो सकता है। तो उस चीज़ पे भी हमने इन्हें एक सभी से अपने सुझाव भी लिए हैं लोगों से और अपने उन्हें बताया भी समझाया भी उसके लिए मना